चलिए चाचा, अस्सलाम वालेकुम। सलाम रहमतुल्लाह व बरकात। दुआ में ख्याल रखिए। आमीन। सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है, वो ही बता रहे थे, तो भाई के दिल में भी मोहब्बत पैदा हो गई। हम लोग भाईचारा लेकर के ट्रेन का सफर कर रहे हैं यहाँ से। गाइस आदाब सत श्री अकाल। अभी रात के बज रहे हैं 7:30। अभी मैं इंटरव्यू के लिए निकल रहा हूँ, सेकंड इंटरव्यू। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैं अभी आया रेलवे स्टेशन पर, पेद्दापल्ली के रेलवे स्टेशन पर हूँ। यहाँ से हम निकलते हैं गुजरात। तो आगे का ब्लॉग आपको पहुँचने तक मैं दिखाता हूँ, और इंटरव्यू कैसे होती है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, तो वीडियो पर बने रहिए। तो ये है हमारे पेद्दापल्ली का रेलवे स्टेशन। अभी ट्रेन आने में थोड़ा टाइम है, तो हम रात को यहाँ पर होटल में थोड़ा चाय शाय पीने के लिए यहाँ पर घूम रहे हैं। अभी 9 बजे ट्रेन है यहाँ से। हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं अभी ट्रेन के लिए। ये देख सकते हैं, अभी ट्रेन आने में थोड़ा सा वक्त बाकी है। अभी तो बज रहे हैं 7, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली है, तो हम लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। अभी चल कर बैठते हैं थोड़ा, और ट्रेन का हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो ट्रेन आने के बाद हम चलते हैं सीधा गुजरात के लिए। इस अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं ट्रेन का इंतज़ार करते हुए। अभी 9 बजे ट्रेन आने वाली है। आगे गुजरात का भी आप लोगों को हम ब्लॉग दिखाएंगे, तो वीडियो पर बने रहिए। पानी का बॉटल लेके भाग जाएंगे वैसे। ए जा रे जा। अरे ये देखो बंदा ना सता रहे हैं भाई यहाँ पे। अपन यहाँ पे ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, और ये बंदरा जैसे कि हमारे को बहुत सता रहे हैं। पानी का बॉटल रखे तो पानी लेके भाग जा रहे हैं। देखो यहाँ पर हमारी ट्रेन आ रही है, ये देख सकते हैं आप लोग हमारी ट्रेन। ये देखो 9G1 अहमदाबाद गुजरात के लिए अभी आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। गाइस बड़ी मुश्किल के साथ अभी ट्रेन मिली हमको, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। बहुत ही मुश्किल के साथ, मुश्किलों का सामना करना पड़ा, भाग लेते हुए यहाँ तक आना पड़ा। तो चलिए निकलते हैं अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। बड़ी मुश्किल के साथ अभी मिल गया, रिजर्वेशन कराने के लिए देखे थे, लेकिन हमको पूरा सीट फुल मिला, तो इसलिए हम रिजर्वेशन नहीं करा सके। जनरल में बहुत ही मुश्किल से हमको मिला है। तो चलिए चलते हैं अभी अहमदाबाद। तो चलिए भाई, मंचरियाल पार होने के बाद हमको सीट मिली, बहुत ही आराम से बैठ गए। तो यहाँ देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। ये देखिए चाचा बोलते हैं, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हम लोग बैठ गए यहाँ पर बड़ी आसानी से। चाचा कहाँ तक जा रहे हैं आप? कागज़नगर तक जा रहे हैं चाचा। तो हम आराम से बैठ गए, अभी चलिए चलते हैं सीधा अहमदाबाद। तो यहाँ पे हमारे चाचा मिले। अभी यहाँ पे दिन की बात चल रही, गुफ्तगू हो रही, तो मैं सोचा कि एक वीडियो ले लूँ। तो चलिए चाचा को दिखाते हैं। सारी
सारी इबादतों में इबादत नमाज है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। दौलत नमाज है, दौलत पीछे न भूल जाओ, दौलत ही नमाज सब क्या है। आज नमाज से दूर होते जाए अल्लाह ताला ने बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। ये देखिए चाचा का जो दीन की बात चल रही थी यहाँ पे तो बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे सुनते हुए हम सफ़र निकाल रहे हैं ट्रेन का, तो यहाँ पे चाचा बैठे हुए हैं। आप लोग भी दुआओं में ख्याल रखिए। ऐसे अपने माल होता तो नमाज की पाबंदी करके दाढ़ी रखते थे आकर मुसलमान की पहचान होती। मुसलमान मुसलमान भाई है, अल्लाह फरमा रहा मुसलमान मुसलमान का भाई है। भाई ना एक मुसलमान को डांटा चुका दूसरे मुसलमान को दर्द हो जाता। ये मेरे मन का दर्द और कभी जब है हर मुसलमान को वैसे दुआ कर इंशाल्लाह अच्छी ज़िंदगी देंगे। मोहब्बत बढ़ती मोहब्बत सलाम करता वो अल्लाह के करीब होता। बेशक बेशक जन्नत तो जाता। सलाम को आम करो, अस्सलाम वालेकुम नमस्ते देव जी। मैं बोला अस्सलाम वालेकुम नमस्ते अल्लाह को इसके बदला प्रेम अपना बेटा मारा रमजान ये हाल हो गया। इंशाल्लाह आप भी नमाज के पालो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कमल करो शादी छोड़ो नमाज छोड़ो अल्लाह ताला और तुम कामयाब बन जाएंगे इंशाल्लाह, बन जाएंगे नफ़ति बन जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज से मदद मांगो भगवान के बीच में नको चाहो मदद करो इंशाल्लाह। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चाचा की गुफ्तगू हो रही थी, हम लोग को दीन की बात सुनते हुए मज़ा भी आ रहा था। तो चलिए बाजू से हमारे भाई भी उठ के आ गए और चाचा को सलाम करे। यहाँ पे देखो भाई, तो ये चाचा बोल रहे थे कि सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है, वो ही बता रहे थे। तो भाई के दिल में भी मोहब्बत पैदा हो गई। हम लोग भाईचारा लेकर के ट्रेन का सफर कर रहे हैं यहाँ से। वो बोला करेंगे बीमा के मुश्किल हो,
नेकी करेंगे, तंदुरुस्ती से ना पिएंगे, बीमार मुबतला होंगे बेशक, और जो नेकी करेंगे तंदुरुस्ती से। तंदुरुस्ती होना है तो तीन इंसान अल्लाह ताला फरमा रहा, शुक्र कर, सबर कर और अल्लाह की इबादत कर, बेशक उसकी पाबंदी कर, अल्लाह ताला हर तंदुरुस्त देता है, उसको उनको आसान कर। बेशक ये हम क्या कहते हैं, अल्लाह की नाफरमानी है, ये बोलेंगे कि अल्लाह मुझे बरकत दे, अरे तुम अल्लाह को नाफरमानी कर, अल्लाह तुम्हारे को 70 माह से मोहब्बत करेगा, आपके अभी एक बार बुला दी बेटा आरिफ कहाँ गया, मेरा अल्लाह ताला 70 माह से मोहब्बत करना बंद नहीं करता, मेरा बंदा कहाँ गया, अब बीमार में है, मेरा रब को फिरिश्तों को भेजा देता, जाओ फिरिश्तों मेरा बंदे की हालत पूछ के आओ, सुभान अल्लाह, क्या बोलता है अल्लाह ताला, फिरिश्तों मेरा बंदा उसी हालत में है, सुभान अल्लाह, मुब्तला है उसी हालत में, कैसा है माशाल्लाह, ये अपनी इबादत है बेशक। बेशक तो यहाँ पे चाचा का गांव आ गया, चाचा अभी निकल रहे हैं यहाँ से, तो चलिए चलिए चाचा, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहु, दुआ में ख्याल रखिए। तो गाइस ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे क्योंकि 10 मिनट का वीडियो हो चुका है, आगे का ब्लॉग हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, आदाब सत श्री अकाल, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, वंदे मातरम।